हेलो गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल लाइन रेनु का तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप अपने स्काई का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर अपनी वीडियो में स्काई को कैसे चेंज कर सकते हैं जो कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाली कि कैसे आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी कैसे आपको स्काई बैकग्राउंड की वीडियो डाउनलोड करनी है और उसको कैसे एडिट करना है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा देना है नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर देना और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना और अगर आप फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग या फिर इंस्टाग्राम रील में इंटरेस्टेड है तो आपको इन सबसे रिलेटेड कॉन्टेंट इस चैनल पर मिल जाएगा या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सबके प्ले लिस्ट मेंशन कर दूंगी तो आप वहां से भी चेक कर लेना और इनके अगर आप ब्लॉग चैलेंज हॉल वीडियो में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, 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 में कर दिया रेनुका ठाकुर तो वीडियो में चलते हैं ज्यादा डिले नहीं करते हैं फर्स्ट आपको वीडियो कैसे शूट करना है तो यहां पर अभी आप रैना की वीडियो देख रहे होंगे तो इस वीडियो में आप नोटिस करना रैना के बैकग्राउंड में रियल का स्काई यहां पर दिख रहा है तो ऐसी आपको भी एक वीडियो शूट करनी है और ज्यादा अच्छा होगा अगर आपका बैकग्राउंड क्लियर आता है मेरे पास मेरी कोई स्काई बैकग्राउंड के साथ वीडियो नहीं थी तो मैंने रहना से रहने की वीडियो मांग ली तो हम इसी वीडियो को कन्वर्ट करेंगे अब सेकंड मैं आपको बताने वाली हूँ जो स्काई हम यूज करेंगे तो वो स्काई बैकग्राउंड वाली वीडियो आपको कैसे डाउनलोड करनी है तो उसके लिए हमें पहले ओपन करना है अपना यूट्यूब यूट्यूब पर आपको सर्च करना है स्काई बैकग्राउंड वीडियो तो देखिए ये फर्स्ट यहाँ पर आ गया है एंड देन आप थोड़ा थोड़ा नीचे करेंगे ना आपको ऐसे बीच बीच में मिलते जाएगा मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं थ्री डॉट पे टैप करना है शेयर पे टैप करना है कॉपी लिंक पे टैप करना है अब आपको गूगल क्रोम ओपन करना है यहाँ पर आपको सर्च करना है यूट्यूब डाउनलोडर यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वेबसाइट मिल जाएगी जो वेबसाइट आपको अच्छी लगती है उसके थ्रू आप डाउनलोड कर लेना तो मैं ये फर्स्ट वाली वेबसाइट यूज़ करती हूँ इस पर टैप करेंगे एंटर द यू आर एल पे हम अपना लिंक पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपको टैप एंड होल्ड करना है पेस्ट पे टैप करना है जैसे आप लिंक डालेंगे ना नीचे वो वीडियो शो भी हो जाएगी देन आपको डाउनलोड पे टैप करना है फाइल डाउनलोडेड मतलब मेरी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है हमारे पास हमारी दोनों वीडियोस आ चुकी है तो अब हम करेंगे एडिटिंग और एडिटिंग के लिए आज हम यूज करेंगे वीएन ऐप वी एन ऐप को ओपन करना है प्लस के साइन पे टैप करना है न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना है फर्स्ट वीडियो आपको वो सिलेक्ट करनी है जो आपने ऑरिजिनल स्काई बैकग्राउंड के साथ शूट करा होगा मुझे वीडियो की स्टार्टिंग चाहिए कुछ यहाँ से स्प्लिट एंड एक्स्ट्रा पार्ट को टैप करके डिलीट कर दूंगी मैं यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट होती है एंड एग्जिट पार्ट कुछ मुझे सिर्फ यहाँ तक चाहिए स्प्लिट एंड एक्स्ट्रा पार्ट को टैप करके डिलीट कर देना है आप जब भी वी एन ऐप में एडिटिंग करते हैं तो हमेशा ये ब्लैक स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है तो या से इसको टैप करके आप डिलीट कर देना अब आपको इसको रील के साइज पर कन्वर्ट कर लेना है या फिर जो भी साइज़ आप रखना चाहते हैं उस पर कन्वर्ट कर लेना है उसके लिए आपको ऑरिजिन पर टैप करना है तो मैं इसे रील के साइज़ का बना रही हूँ दैट्स मीन शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म जो ज़्यादातर होता है उनका साइज नाइन इंच टू सिक्सटीन होता है तो मैं उसी को सिलेक्ट करूँगी डन अब इस पर हमें ओवरले ऐड करना है तो उसके लिए प्लस के साइन पर टैप करना है वीडियो एंड फोटो पर टैप करना है अब हमें स्काई बैकग्राउंड वाली वीडियो सेलेक्ट करना है स्काई बैकग्राउंड वाली वीडियो को आपको अपने पीछे जो रियल स्काई है ना उसके साथ एडजस्ट करना है इस एरो पर टैप करके स्ट्रेच करेंगे तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी सिंपली आप स्क्रीन पर टू फिंगर रखना उसे आउटसाइड स्ट्रेच करना तो ये जूम होता चले जाएगा ओके okay, देन इसे थोड़ा ऊपर करके सेट कर लेते हैं तो यहाँ पर अभी एक लाइन देख रहे हैं ना आप जहाँ पर है ना कि छत स्टार्ट हो जाती है तो उससे ऊपर ऊपर मुझे स्काई रखना है और नीचे मुझे एज़ इट इज़ ही रखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसे टिल्ट करेंगे अब हमें इस पे एक और ओवरले ऐड करना है तो आपको इस नीचे वाली वीडियो पर टैप करना है और नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा ना इसको आपको लेफ्ट स्वाइप करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको फॉरवर्ड इस पर टैप करेंगे अब आपको इस वाली वीडियो को अपनी पीछे वाली वीडियो जितना एडजस्ट कर लेना है एरो पे टैप करना है और आउटसाइड स्ट्रेच करेंगे तो वीडियो जूम हो जाएगी अब मैं एक ऐसा फीचर यूज करने वाली हूँ जिससे कि आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा तो आपको टैप करना है सबसे ऊपर ओवरले पे देन इसके बाद आपको क्रोमा पे टैप करना है और ये जो सर्कल है ना अब आपको इसको मूव करना है स्क्रीन पे आपको इसको मूव करके देखना है कि आप इसको कहाँ प्लेस करेंगे आपका पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो जाए तो देखिए अभी भी प्रॉब्लम दिख रही है ना आपको आप मूव करते रहना है आपको आपको एक ऐसा प्लेस मिलेगा जहाँ पर आपका बैकग्राउंड पूरा चेंज हो जाएगा जैसे कि अभी इसका हो गया आप देख रहे होंगे रहना और पीछे के जो ऑब्जेक्ट्स है और रहने की छत है वो एज इट इज है बस पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो चेंज हो चुका है और अगर आपको पीछे वाले बैकग्राउंड को और अच्छे से मर्ज करना है तो आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा बढ़ाना ज्यादा मत बढ़ाना इस वाइट डॉट पे टैप करके आपको राइट साइड ड्रैक करना है अब नोटिस करना आप जो रहना है ना वो थोड़ी ब्लूइश दिखने लग गई है जो इसका ऑरिजिनल कलर था ना वो चेंज हो गया है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं जो स्पिल है ना इसको आपको रिड्यूस कर देना है तो इस वाइट डॉट पे टैप करके लेफ्ट साइड ड्रैग करेंगे रैना की जो वीडियो का ऑरिजिनल कलर था ना वो आ गया है डन तो वीडियो हमारी बनके रेडी हो चुकी है आप एक लास्ट काम और कर सकते हैं जो हमारी वीडियो का बैकग्राउंड साउंड है ना उसको रिमूव कर देना आप नहीं तो पीछे का जो बैकग्राउंड नॉइज होगा ना वो आ जाएगा इसके लिए आपको ओवरले वाली, वाली वीडियो पर टैप करना है वॉल्यूम पर टैप करके इसको कर देना है जीरो एंड स्काई बैकग्राउंड वाली वीडियो को भी टैप करना है इसको भी वॉल्यूम को जीरो कर देना इसका ऑलरेडी जीरो है अब आपको एक्सपोर्ट पर टैप करना है डन करना है सेव टू एल्बम इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड को चेंज करके एक अच्छा सा स्काई बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं मैंने अपने बेस्ट ट्राई किया है ताकि मैं आपको इस वीडियो को डिटेल में बता सकूं और आपको और अच्छे से समझ में आए तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय